जय माता दी। निवेदन करूंगा सिकू सिंह जी से चुनरी उठा के बड़े भैया मनोज पांडे जी का जितने लोग बैठे हैं और हम चाहेंगे कि हमारे आज के आयोजक अमर दीप सिंह जी उनके परिवार के लोग माताएं बहने अगर माँ की दरबार आपने लगाई है माँ को बुलाया है तो आप सभी लोग दरबार में आके बैठे हैं बहुत ही आनंद आएगा क्योंकि कहा गया है कि कलयुग एक नाम है धारा सिमर न रुक नहीं पा रहा इस कलयुग में केवल नाम का सहारा है आप भगवान की चरणों के सामने बैठ के उनके दरबार के सामने बैठ करके उनका गुणगान करें तो अच्छी बात होगी। आइए आज दीपावली के पावन पर्व पे ब्रह्मा द्वारिका में माता रानी लक्ष्मी जी का पंडाल सजाया गया है और ये दीपावली पर्व जब भगवान राम असत्य पे सत्य का विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे उस समय पूरा अयोध्या जगमग जगमग कर रहा था। आइए उसी रामायण से एक भजन बस बस दो मुखड़ा पूरी भजन मैं सच्चे दरबार की श्री रामचंद्र की हेलो 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 वाल्मीकि गुरुदेव
सुने होंगे हम कथा सुनाते राम सकली गुरु धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुरु धाम की, आर्यावर से भारत वर्ष गिरी Yeah.
तुलसी राम कृष्ण कैसे मुनिवर सबकी दृष्टि राम की ओर राम बिना गुड़ के आता गुरुवर की आता निर्धार सहज आवे थे शिव घनुरा जन के सुता चंद्रिका तोड़ा रघुवर देता और न कोई सीता की समता नहीं हुई जो मेरे पराजिती पाती तूटी रतिता हम कथा सुनाते राम सकल गुणदाई राम आयल पूरे कथा हम कथा सुनाते राम सकल गुण राम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण राम की सच्चे दरबार की।